हरियाणा के जींद के नरवाना में पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों को खुश कर सकती है और ना ही व्यापारियों का भला कर सकती है। वे पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती थी। मोदी ने आतंकवाद को ताबूत में कील ठोकी है। अब जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वे उसी प्रकार की हैं जैसे दीपक बुझते समय ज्यादा टिमटिमाता है। योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी कृष्ण बेदी के लिए भाजपा की नरवाना की नई अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा नहीं दे सकते, आतंकवाद नक्सलवाद से नहीं लड़ सकते। जब ये किसान के लायक ही नहीं है तो इनको वोट के लायक भी नहीं बनाओ। वो यहाँ यही अपील करने के लिए आए हैं कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाए। पहले भारत के विकास का बैरियर माना जाता था, आज वह उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। 5 सदी के बाद इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। और ऐसे ही हरियाणा में पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ है एक परिवर्तन। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे इनलो रही हो और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो।